फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मूंगफली के छिलके। जब भी हम मूंगफली खाते हैं ये छिलके यूं ही फेंक दिए जाते हैं। आज मैं इनकी मदद से आपको प्लांट के लिए बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। और यदि ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट में यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में ज़रूरी पोषक तत्व तो मिलेंगे, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम और प्रोटीन। तो इनके उपयोग से यदि आप प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या प्लांट की ग्रोथ रुकी है तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और प्लांट में फूल भी आने लगेंगे, जड़ों का तेज़ी से विकास होगा और पत्तियां पीली पड़ने की समस्या भी खत्म होगी। क्योंकि सिर्फ ये छिलके ही नहीं, इनके साथ मैं 2 से 3 चीज़ें ऐसी डालूंगी जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी, साथ ही प्लांट की इम्यूनिटी को भी यह फर्टिलाइज़र स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले आप ये जान लें कि ये फर्टिलाइज़र क्यों फ़ायदेमंद है और फर्टिलाइज़र कौन कौन से प्लांट्स पे यूज़ करना है। तो हम इस फर्टिलाइज़र को सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, फूलों फलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों। इसके साथ ही यदि इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, सिल्का, इन सब से भरपूर हैं और इन सभी की हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट में फूल फल लाने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो यदि आप अपने प्लांट का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो आप महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। बिल्कुल फ्री का होममेड जैविक फर्टिलाइज़र है और सभी तत्वों से भरपूर है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो मैंने मूंगफली के छिलके लिए हैं, ये छिलके भुनी हुई मूंगफली के छिलके हैं और इन छिलकों को आपको अच्छी तरह से धो के सुखा लेना है। क्योंकि मार्केट में यदि आप मूँगफली लेते हैं तो कभी कभी नमक मिला दिया जाता है। यदि नमक नहीं है तो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि नमक है तो इसको अच्छी तरह से आपको धोकर सुखा लेना है। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, पीस के एक पाउडर फॉर्म बना सकते हैं या फिर ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये जो फर्टिलाइज़र बना रही हूँ इसमें मैं सीधा ऐसे ही छिलकों को यूज़ करूँगी। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर पानी और इसमें अब हम छिलके डालेंगे। तो मैं ये 2 मुट्ठी मूँगफली के छिलके ले रही हूँ, 2 मुट्ठी आपको मूँगफली का छिलका डाल देना है। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो है ये प्याज के छिलके। पोटेशियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, प्लांट में फूल लाने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो ये प्याज के छिलके भी आप इसमें अच्छी तरह से भिगा दें। तीसरे जो छिलके हैं वो ये खीरा के छिलके हैं, इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं और हम इनको यूँ ही फेंक देते हैं तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र इनका बनता है। हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूल फल लाने के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है ये। तो इन छिलकों को भी 1 मुट्ठी में मैंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी छिलके हैं वो हैं ये केले के छिलके। मैंने ये फ्रेश केले के छिलके लिए हैं, 2 केले के छिलके हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और उसके बाद इन्हें इस पानी में डाल देना है। अच्छी तरह से भीगने के बाद इसे ढककर रख देना है आपको 1 दिन के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसे कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। मैंने 1 दिन पहले इसको रखा था और देखिए इस तरह से ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से इसमें छिलके गल गए हैं और सारे पोषक तत्व तो पानी में मिल गए हैं। अब इसको मैं छान लेती हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेना है। प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल फर्टिलाइज़र है और आप इसे महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें, आपके प्लांट बहुत अच्छी फ्लॉरिंग करेंगे। तो जितना आपने फर्टिलाइज़र लिया है उसका 3 गुना सादा पानी आपको इस फर्टिलाइज़र में मिला लेना है और ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप भी बनाएं और अपने प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल दें। थैंक यू।